हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और आज मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स बताऊंगा जो कि हमारा स्टेपर मोटर से है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे स्टेपर मोटर को समझने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि हमारा जो स्टेपर मोटर है ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, किस फैमिली से बिलोंग करता है। इसका मतलब जैसे हमारा डीसी मशीन है, तो डीसी मशीन्स के अंदर क्या आता है, हमारा दो टर्म आता है। सबसे पहला है डीसी मोटर, उसके बाद आता है हमारा डीसी जनरेटर। ठीक है, तो उसी बेसिस पे हमारा और भी है, जैसे एसी मशीन्स हैं, तो एसी मशीन्स के अंदर क्या-क्या आता है, जैसे कि हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हो गया, थ्री फेज इंडक्शन मोटर हो गया, उसके बाद थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर हो गया, उसके बाद हमारा ट्रांसफार्मर हो गया, अल्टरनेटर हो गया, जितना भी है ये सब हमारे क्या एक तरह से एसी मशीन्स है। ठीक है, तो उसी तरह हमारा एक और मशीन होता है जिसको बोलते हैं स्पेशल मशीन, नहीं तो फिर एडवांस मशीन। और इस एडवांस मशीन के अंदर यहाँ पे जितना भी मोटर का नाम लिखा गया है ये सारा का सारा आता है। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे हम लोग समझते हैं, सबसे पहला है हमारा सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर। देखिए, सिंक्रोनस मोटर जो होता है ये सिंपली हमारा दो तरह का होता है। सबसे पहला है थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर और दूसरा है हमारा सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर। तो थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर जो है ये हम लोग सिंपली इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज करते हैं, नहीं तो वहां पे यूज करेंगे जहां पे हम लोग को कांस्टेंट स्पीड नहीं तो पावर फैक्टर को इंप्रूव करना होता है। तो ये जो थ्री फेज इंडक्शन आई मीन सिंक्रोनस मोटर है, इसका जो रेटिंग होता है यानी इसका जो हम लोग डिजाइन करते हैं, ये काफी बड़ा बड़ा मोटर होता है जिस बेसिस पे इसको हम लोग सिर्फ इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज कर पाते हैं। उसी तरह इसका दूसरा जो टाइप्स है ये है हमारा सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर। और इस सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर के अंदर दो मोटर आता है, सबसे पहला है हमारा हिस्टेसिस मोटर और दूसरा है हमारे यहाँ पे रिलेक्टेंस मोटर। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सर्वो मोटर। सर्वो मोटर के अंदर भी हमारा टाइप्स है, जैसे डीसी सर्वो मोटर हो गया, एसी सर्वो मोटर हो गया। अब एसी सर्वो मोटर के अंदर भी टाइप्स आता है हमारा दो, जैसे टू फेज वाइंडिंग हो गया, उसके बाद थ्री फेज वाइंडिंग हो गया। उसी उसके बाद जो है हमारा स्टेपर मोटर आता है जो कि हम लोग इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखेंगे। और स्टेपर मोटर में जो भी है हमारा टाइप्स है वो मैं सारा बता दूंगा। उसके बाद आता है हमारा परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर। ठीक है, ये भी हमारा छोटा छोटा मोटर होता है, जैसे टेप रिकॉर्डर ये सब में जब भी आप उसको खोलिएगा तो उसके अंदर जो होता है हमारा एक छोटा छोटा मोटर होता है, तो वो हमारा एक तरह से परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर होता है। उसके बाद एक और स्पेशल टाइप का मशीन है जिसको बोलते हैं हम लोग प्रिंटेड सर्किट बोर्ड मोटर्स। ठीक है, ये सिंपली हमारा जितना भी बोर्ड होता है वहां पे ऑलरेडी एक तरह से वहां पे डिजाइन करते हैं हम लोग। तो ये कुछ टाइप्स हैं जो कि हमारा स्पेशल मशीन या फिर एडवांस मशीन जो भी कहिए उसके अंदर आता है। और आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे स्टेपर मोटर को। और ये जो स्पेशल मशीन है इससे हर एक एग्जाम में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और ये काफी रिपीटेड क्वेश्चन आता है यहाँ से। और यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा ये आपसे पूछेगा हमेशा एप्लीकेशन के बारे में। एप्लीकेशन कहने का मतलब जैसे स्टेपर मोटर, स्टेपर मोटर को हम लोग कहाँ यूज करेंगे, सर्वो मोटर को हम लोग कहाँ यूज करते हैं, हिस्टेसिस मोटर को कहाँ यूज करते हैं, रिलेक्टेंस मोटर को कहाँ यूज करते हैं, या फिर इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है। जैसे आपसे पूछ देगा कि स्टेपर मोटर आई मीन ऐसा कौन सा रोटर है जिसपे कोई वाइंडिंग नहीं होता है, तो हमारा स्टेपर मोटर के अंदर होता है। ऐसा कौन सा मोटर है जो नॉइज जो होता है बहुत कम करता है, तो वो हमारा हिस्टेसिस मोटर है। तो इस तरह का जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये हमेशा एग्जाम्स में आते रहते हैं। इस बेसिस पे मैं यहाँ पे आपको स्टेपर मोटर आज समझाता हूँ जो कि हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है हमारा यहाँ पे कुछ फिगर में यहाँ पे रोबोटिक आर्म्स को दिखाया गया है, और इसके अंदर जो भी मोटर होता है ये कुछ नहीं, ये हमारा स्टेपर मोटर होता है। ठीक है, स्टेपर मोटर किस तरह से काम करता है मैं आगे में बताऊंगा, लेकिन इसका जो आज के डेट में सबसे ज्यादा यूज होता है ये रोबोटिक आर्म्स के अंदर होता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का यहाँ पे रोबोटिक आर्म्स को दिखाया गया है। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टेपर मोटर। अब हम लोग यहाँ से समझेंगे स्टेपर मोटर का प्रिंसिपल। देखिए, सबसे पहले इसके नाम से स्टार्ट करते हैं कि इसका इस मोटर का जो है नाम स्टेपर मोटर ही क्यों रखा गया। देखिए, ये जो मोटर है हमारा ये स्टेप वाइज रोटेट करता है। स्टेप वाइज कहने का मतलब जैसे डीसी मोटर है यानी और भी जितने भी मोटर है, डीसी मोटर हो गया, एसी मोटर हो गया, तो वो एक तरह से हमारा क्या होता है एंगुलर रोटेशन में रोटेट करता है, यानी एक तरह से इस तरह से घूमे घूमता रहता है, गोल गोल घूमते रहता है एक पर्टिकुलर स्टेप स्पीड पे। लेकिन स्टेपर मोटर जो है हमारा सिंपली जिस तरह से एक क्लॉक घूमता है यानी जिस तरह से घड़ी घूमता है, घड़ी का जो रेड सुई यहाँ पे दिखाया गया है ये एक तरह से
पर्टिकुलर स्टेप को हर एक सेकंड में कवर करता है। यानी पहले यहाँ पे मान लेते हैं ये रेड सुई है, उसके बाद एक सेकंड के बाद ये फिर से यहाँ पे पहुंचेगा, फिर यहाँ पे पहुंचेगा, फिर यहाँ पे पहुंचेगा, यहाँ पे एक और बना देता हूँ। यानी इस तरह से क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर एंगल को कवर करके ये गोल गोल घूमते रहता है, ठीक है। इसलिए इसका नाम पड़ा है स्टेपर मोटर, नहीं तो फिर हम लोग इसको एक और बोलते हैं स्टेपिंग मोटर, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि इसका काम क्या होता है और इसको हम लोग क्यों डिजाइन करते हैं। तो जिस तरह से मैंने अभी बताया कि इसका सबसे ज्यादा यूज होता है रोबोटिक आर्म्स के अंदर, तो रोबोटिक आर्म्स का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे एक हमारा बकेट है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है, और हम लोग एक रोबोट डिजाइन कर रहे हैं, और इस रोबोट से हम लोग चाहते हैं कि ये जो बाल्टी में पानी भरा हुआ है ये एक खाली बाल्टी में पूरा का पूरा पानी एक ग्लास के थ्रू बार बार इसके अंदर डाले, यानी इसमें से पानी भरे ग्लास में, उसके बाद फिर इसमें डाले। तो यहाँ पे जो हम लोग रोबोटिक आर्म्स यूज करेंगे, इसके अंदर जो मोटर यूज करेंगे ये हमारा स्टेपर मोटर होगा, और यहाँ पे हम लोग एक प्रोग्रामेबल डिवाइस यूज करते हैं या फिर एक माइक्रो प्रोसेसर यूज करेंगे जो इस मोटर को कमांड देगा कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये एक बार यहाँ पे आएगा, इस एंगल पे रोटेट करेगा, फिर धीरे धीरे आकर के यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर उसी तरह जैसे अगर आप डिस्कवरी चैनल देखते होंगे तो जितना भी मेगा फैक्ट्री या फिर जहाँ पे हम लोग कार को मैन्युफैक्चर करते हैं, सबसे ज्यादा जो पेंट शॉप होता है यानी जहाँ पे हम लोग कार को पेंट करते हैं, वहाँ पे आप देखे होंगे वहाँ पे जितना भी रोबोटिक आर्म्स होता है वो एक तरह से गाड़ी को ऑटोमेटिक पेंट करता है। तो वहाँ पे जो ऑटोमेटिक रोटेशन होता है रोबोटिक आर्म्स के अंदर वो हमारा स्टेपर मोटर के थ्रू होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इस मोटर को डिजाइन करते हैं, और ये जो है नॉर्मल मोटर की तरह रोटेट नहीं करता है, ये एक पर्टिकुलर एंगल के थ्रू रोटेट करेगा। यानी अगर यहाँ पे है फिर अचानक से यहाँ पहुंच जाएगा, फिर अचानक से यहाँ पहुंच जाएगा, फिर अचानक से यहाँ पहुंच जाएगा, और इसका जो एंगल होगा, यानी मान लेते हैं यहां से लेके यहां तक का जो एंगल है ये 30 डिग्री है, ठीक है। तो इस एंगल को बोलते हैं हम लोग स्टेप एंगल। तो ये कुछ यहाँ पे बेसिक्स था, अब हम लोग यहाँ से इसका प्रिंसिपल स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से काम करता है। तो ये एक हमारा मोटर है, तो इसके अंदर हमारा दो पार्ट होगा, सबसे पहला स्टेटर और दूसरा रोटर। अब देखिए स्टेपर मोटर का जो रोटर होता है ये थोड़ा स्पेशल रोटर होता है, ठीक है। इसमें हमारा दो तरह का रोटर आता है, सबसे पहला ये एक परमानेंट मैग्नेट का होगा, ठीक है। पहला रोटर जो होता है ये परमानेंट टाइप होगा यानी परमानेंट मैग्नेट का बना होगा, और दूसरा रोटर जो होता है ये एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बना होगा। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहने का मतलब वैसा मटेरियल जो मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट हो, जैसे कि आयरन, लोहा का जो टुकड़ा होगा या फिर लोहे का जो नेल होता है वो मैग्नेट के साथ क्या होता है, चिपक जाता है। तो उसी बेसिस पे यहाँ पे जो हम लोग मटेरियल यूज करेंगे रोटर के लिए वो हमारा एक फेरोमैग्नेटिक होना चाहिए। अब देखिए इसके अंदर और भी टाइप्स हैं, टाइप्स नहीं एक तरह से ये डिजाइन होता है, इसका कंस्ट्रक्शन होता है, जो कि आपको आगे में क्लियर हो जाएगा। पहला है सिंगल स्टैक रोटर, ठीक है। सिंगल स्टैक रोटर क्या है आगे मैं बताऊंगा। उसके बाद होता है हमारा मल्टी स्टैक रोटर। अब ये क्या होता है ये भी आपको आगे में क्लियर हो जाएगा। तो यहां से अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका प्रिंसिपल। और एक चीज यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जैसे स्टेटर है हमारा, तो स्टेटर का अपना एक टीथ होगा, ठीक है। तो स्टेटर का टीथ जो है, और रोटर है तो रोटर का भी अपना एक टीथ होगा। तो इस स्टेपर मोटर के अंदर स्टेटर का टीथ और रोटर का टीथ दोनों आपस में कभी भी बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो हमारा मोटर जो होगा लॉक हो जाएगा, यहाँ पे रोटेट नहीं करेगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टेटर का टीथ अगर 6 है तो रोटर का 4 रखेंगे, ठीक है। अगर स्टेटर का 4 है तो रोटर का हम लोग 2 रखेंगे, यानी कुछ कम होना चाहिए। यानी दो, जैसे किसी का अगर 50 है तो स्टेटर अगर हमारा 50 है तो रोटर हमारा 48 होगा, यानी 2 का अंतर होना चाहिए, 4 का अंतर होना चाहिए, इस तरह से कुछ ना कुछ कम होना चाहिए। कभी भी हमारा स्टेटर टीथ इक्वल टू रोटर टीथ जो है नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग समझते हैं इसका प्रिंसिपल।
देखिए, स्टेपर मोटर का जो प्रिंसिपल है ये बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल है इसका, और अगर आप ध्यान से समझिएगा तो बहुत इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। ये सिंपली मैग्नेट का अट्रैक्शन और रिपल्शन बेस्ड पे होता है, जिस तरह से और भी जितने भी मोटर हैं सब में यही होता है। तो यहाँ पे मैं सिंपली स्टेटर ड्रॉ करता हूँ, ये मान लेते हैं हमारा ये स्टेटर है, ठीक है, और इस पे मैं पोल ड्रॉ करता हूँ, ये पोल वन है, इसके सामने इसका पोल दूसरा पोल होगा, और यहाँ पे जो भी मैं फिगर बना रहा हूँ ये फिगर आपको भी बनाना आना चाहिए, क्योंकि फिगर से आप किसी को एक्सप्लेन कीजिएगा तो वो ज़्यादा ज़्यादा बेटर से समझता है। ये हमारा थर्ड पोल है और इसी के जस्ट सामने हमारा चौथा पोल है, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर रोटर बनाएंगे, तो रोटर मैंने बताया था कि दो तरह का होता है, सिंगल स्टैक और मल्टी स्टैक, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सिंगल स्टैक लेके चलते हैं। सिंगल स्टैक यानी सिंपल हमारा इस तरह का एक रोटर, ठीक है, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ फिगर। और ये जो रोटर होगा ये हमारा एक तरह से परमानेंट मैग्नेट होगा, ये परमानेंट मैग्नेट का बना होगा, ठीक है। तो इसका ऑलरेडी अपना क्या होगा, फील्ड होगा, एक यहाँ पे मान लेते हैं नॉर्थ और यहाँ पे मान लेते हैं साउथ, ठीक है। और ये हमारा पोल है तो इसके ऊपर क्या होगा, वाइंडिंग होगा, यहाँ पे कुछ वाइंडिंग है। उसी तरह यहाँ पे भी हमारा वाइंडिंग होगा, अब देखिए ये सिंपली इसके साथ ये आ करके ये यहाँ पे सीरीज में जुड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद ये भी हमारा यहाँ पे आ करके इस तरह से जुड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड ना हो इसलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, ये बस आप एज्यूम कीजिए कि ये हमारा इस तरह से सीरीज में ज्वाइंट होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग करते हैं क्या है, इसमें हम लोग करंट देंगे, लेकिन यहाँ पे दो पोल पेयर है, यानी टू पोल पेयर है, तो मान लेते हैं ये हमारा ए है और ये हमारा ए डैश है, ठीक है। ये हमारा बी मान लेते हैं तो ये हमारा बी डैश है। अब हम लोग इसमें एक्साइटेशन देने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है, इसमें हम लोग एक बार में एक ही पोल पेयर को एक्साइट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इस बी पोल को एक्साइट करते हैं, यानी इसके अंदर हम लोग करंट दे रहे हैं, मान लेते हैं इसके अंदर हम लोग आई एम्पियर का करंट दे रहे हैं। अब जैसे इसके अंदर करंट देंगे तो ये अपना क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, यानी यहाँ पे मान लेते हैं नॉर्थ बन गया इसका और यहाँ पे मान लेते हैं साउथ बन गया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, ये नॉर्थ पोल और रोटर का नॉर्थ पोल आपस में रिपेल करेगा, यानी इधर भागेगा, ठीक है, इस तरह से धक्का देगा, और इसका ये नॉर्थ पोल और इसका ये साउथ पोल आपस में अट्रैक्ट करेगा, तो ये आकर के यहाँ पे चिपक जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये रोटेट कर जाएगा यहाँ पे, यानी एक तरह से 90 डिग्री का डायरेक्ट मूवमेंट होगा, ठीक है। तो ये जो 90 डिग्री है ये हमारा हुआ मोटर का स्टेप एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा समझिएगा, इसको रब कर देता हूँ, यानी अभी जो है हमारा यहाँ पे पोजीशन आ गया, ये पोल वन, इसके सामने हमारा पोल टू, यहाँ पे यानी अभी ये हमारा मान लेते हैं पोल है, ठीक है। तो अभी हमारा रोटर क्या हो गया, ये अभी हमारा ए पोल था, ये ए डैश है, ये बी है, ये बी डैश है। बार बार मैं इस तरह से फिगर नहीं बनाऊंगा इसलिए मैं यहाँ पे बस पोल को दिखा रहा हूँ, ठीक है, इससे आप समझ जाइएगा। तो अभी जैसे ही हम लोग ने बी कॉइल को एक्साइट किया यानी इसके अंदर करंट दिया, तो हमारा रोटर जो है ये हमारा किस तरह से मूव कर गया, ये हमारा रोटर आ गया यहाँ पे,
ठीक है, यहाँ पे मूव कर गया, यानी एक ही बार में क्या हो गया, 90 डिग्री रोटेट कर गया। अभी यहाँ पे क्या है, ये हमारा, यहाँ पे हमारा नॉर्थ पोल आ गया और यहाँ पे हमारा साउथ पोल आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इस बी पोल को, यानी जो पोल पेयर बी है हमारा, इसको हम लोग डीमैग्नेटाइज करेंगे। डीमैग्नेटाइज कहने का मतलब जो हम लोग आई एम्पीयर यहाँ पे सप्लाई दे रहे हैं इसको बंद कर देंगे। ठीक है, यानी ये यहाँ से हमारा ये डीमैग्नेटाइज हो गया। अब हम लोग कॉइल ए को, यानी जो हमारा पोल पेयर ए है, इसको मैग्नेटाइज करेंगे, यानी इसके अंदर करंट फ्लो करवाएंगे। आई एम्पीयर करंट यहाँ पे मान लेते हैं फ्लो हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे भी अपना क्या होगा, एक तरह से मैग्नेट बनेगा, ये नॉर्थ पोल हो गया और ये इसका साउथ पोल हो गया। अब देखिए, तो यहाँ पे साउथ पोल इसका और साउथ पोल इसका आपस में रिपेल करेगा, यानी फिर से ये आगे भागेगा, और ये साउथ है ये नॉर्थ है, यानी डिफरेंट डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये आपस में अट्रैक्ट कर लेगा, तो ये वाला फिर से 90 डिग्री आकर के यहाँ पे घूम जाएगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हमारा क्या होगा, अभी हमारा रोटर यहाँ पे पहुंच जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा रोटर का अपना साउथ, यहाँ पे नॉर्थ, और बाकी जो हमारा पोल था ये इसी का, जहां पे पोल्स था हमारा, ये इसी तरह से रहेगा। यानी यहाँ पे आप देखिएगा कि हम लोग अल्टरनेट, यानी एक बार ए को, ए पोल को, दूसरी बार बी पोल को, फिर उसी तरह से हम लोग इस साइकिल को रिपीट करेंगे, तो हमारा मोटर जो है एक तरह से स्टेप वाइज स्टेप जो है रोटेट करते रहेगा। यानी पहले 0 डिग्री था, फिर 90 डिग्री पहुंच जाएगा, फिर से हमारा आगे बढ़ेगा, यानी हमेशा एक तरह से 90 डिग्री का रोटेशन करेगा। तो इस सिंपल प्रिंसिपल पे हमारा जो है स्टेपर मोटर काम करता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ा हम लोग डीपली समझते हैं इसको। यहाँ पे एक और चीज़ जो कि बहुत ही बेसिक है, देखिए यहाँ पे जो हम लोग बार बार अल्टरनेट करके, यानी पहले ए कॉइल को मैग्नेटाइज कर रहे हैं, फिर बी कॉइल को मैग्नेटाइज कर रहे हैं, फिर से ए कॉइल को मैग्नेटाइज कर रहे हैं, तो ये जो काम करता है, यानी जो सिग्नल दे रहा है कि पहले ए मैग्नेटाइज होगा, फिर बी होगा, फिर ए होगा, फिर बी होगा, तो इसके लिए हम लोग एक कंट्रोलर यूज करते हैं या फिर माइक्रो प्रोसेसर यूज करेंगे जिसके अंदर प्रोग्राम किया हुआ रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग एक्साइटेशन दे रहे हैं या फिर करंट दे रहे हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पे पल्स बोलते हैं। ठीक है, यानी क्लॉक पल्स, स्टेपर मोटर में हम लोग इसको क्लॉक पल्स बोलेंगे। ठीक है, क्लॉक पल्स कुछ नहीं, एक तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉइल को एक्साइटेशन दे रहे हैं, और ये जो क्लॉक पल्स मिलता है ये हमारा सिंपली एक तरह से प्रोग्राम किया हुआ हमारा एक माइक्रो प्रोसेसर होगा, नहीं तो कंप्यूटर होगा, नहीं तो फिर छोटा छोटा जितना भी मोटर होता है वहाँ पे एक हमारा सर्किट होता है। ठीक है, और उसी में हमारा एक तरह से प्रोग्राम किया हुआ रहता है जिससे हमारा मोटर जो है ऑटोमेटिक काम करने लगता है। उसके बाद एक और यहाँ पे बेसिक चीज है, यहाँ पे अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि ये जो कॉइल है हमारा, यानी जो पोल्स है हमारा, इसके अंदर करंट जो दे रहे हैं कौन सा देते हैं, डीसी देते हैं या फिर एसी देते हैं, तो ये हमेशा हम लोग डीसी देते हैं। अब कोई पूछेगा कि हमेशा डीसी ही क्यों देते हैं, तो इसके पीछे देखिए, अगर ये मान लीजिए हमारा एक कोर है, ठीक है, और इसके ऊपर जब हम लोग वायर करेंगे, यानी वायरिंग करेंगे, इस तरह से लपेटेंगे तार को, और इसके अंदर अगर हम लोग अल्टरनेटिंग करंट देते हैं, तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, यानी मान लेते हैं ये नॉर्थ बना और ये साउथ बना, तो आपको पता है कि अल्टरनेटिंग करंट जो है हर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अपने आप को ये क्या करता है, जीरो करता है, फिर नेगेटिव जाता है, फिर पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पे हमारा देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल होने के कारण यहाँ पे जो करंट का, आई मीन जो मैग्नेटिक फील्ड का पोल है, ये चेंज करेगा, पहले नॉर्थ था फिर साउथ था, फिर जैसे ही हमारा नेगेटिव जाएगा साइकिल, फिर यहाँ पे साउथ बन जाएगा, फिर नॉर्थ बनेगा, फिर पॉजिटिव आएगा, तो फिर से नॉर्थ साउथ, फिर साउथ नॉर्थ, यानी अपने आप को क्या करेगा, पल्सेट करेगा। तो इस पल्सेशन के कारण यहाँ पे हमारा एक अप्रोप्रिएट, यानी कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड नहीं बन पाएगा, क्योंकि हम लोग को इसको रोटेट करने के लिए यहाँ पे हम लोग को कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए ना। जैसे अभी ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ हमेशा के लिए होना चाहिए ना, तभी नहीं आपस में अट्रैक्ट करके इस मोटर को, यानी ये जो रोटर है हमारे, इसको घुमाएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे हमेशा डायरेक्ट करंट सप्लाई देते हैं, ताकि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है पोल्स का, वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहे, यानी एक तरह से परमानेंट मैग्नेट बन जाए। तो ये कुछ बेसिक्स था, अब थोड़ा डीपली समझते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग रोटर को डिस्कस करते हैं। अभी जो मैंने बताया कि रोटर जो होता है दो तरह का होता है, सिंगल स्टैक रोटर और मल्टी स्टैक रोटर।
तो यहाँ पे मल्टी स्टैक को समझते हैं। सिंगल स्टैक तो आपको समझ में आ गया हो, सिंगल स्टैक कुछ नहीं, हमारा एक तरह से सिंपल साइलेंट पोल रोटर होता है। अब समझते हैं मल्टी स्टैक रोटर और इसको हम लोग क्यों डिजाइन करते हैं। देखिए मल्टी स्टैक रोटर हम लोग सिंपली क्या करते हैं, इसका सबसे ज्यादा यूज इसलिए होता है ताकि हम लोग जो स्टेप एंगल है मोटर का उसको कम कर सकें। अभी तक आपने देखा कि किस तरह से हम लोग 90 डिग्री का स्टेप एंगल जो है, स्टेप एंगल से हम लोग मोटर को रोटेट करवाते हैं, लेकिन अब हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो मोटर है ये 90 डिग्री सीधे सीधे रोटेट ना करे, ये 30 डिग्री करे, 15 डिग्री करे, या फिर 1.8 डिग्री करे, या फिर 0.36 डिग्री करे। यानी स्टेप एंगल को छोटा करने के लिए हम लोग सिंपली मल्टी स्टैक रोटर का यूज करते हैं। ठीक है, अभी कैसे होता है इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैं फिर से डायग्राम बनाता हूँ। यहाँ पे एक और चीज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए मल्टी स्टैक जो रोटर होता है ये सिंपली हमारा फेरो मैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है। ठीक है, और मल्टी स्टैक रोटर हम लोग क्यों यूज करते हैं, ताकि हमारा स्टेप एंगल छोटा हो जाए। देखिए इससे पहले जो हम लोगों ने अभी देखा, ये हमारा क्या था, सिंगल स्टैक रोटर था। तो सिंगल स्टैक रोटर जो होता है ये हमारा एक तरह से परमानेंट मैग्नेट का बना होता है। ठीक है, यानी इसका अपना एक ऑटोमेटिक नॉर्थ एंड साउथ एक मैग्नेटिक फील्ड बना होगा ऑलरेडी पहले से। लेकिन यहाँ पे मल्टी स्टैक रोटर में हम लोग फेरो मैग्नेटिक मटेरियल का यूज करते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, और भी जितने भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उसका यूज करते हैं। यानी यहाँ पे जो हम लोग का रोटर होगा उसका कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, नॉर्थ साउथ कुछ नहीं होगा। ठीक है, एक तरह से सिंपल हमारा एक तरह का मेटल होगा। तो अब हम लोग यहाँ से देखते हैं मल्टी स्टैक रोटर किस तरह से काम करता है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे 6 पोल लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 6 पोल स्टेटर है, यानी 3 पोल पेयर यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। और अब हम लोग इसमें प्लेस करेंगे मल्टी स्टैक रोटर। तो मल्टी स्टैक रोटर कैसा होता है इसको थोड़ा देखते हैं। देखिए मल्टी स्टैक रोटर कुछ नहीं, हमारा एक तरह से ये प्लस के डिजाइन में, यानी ये कुछ इस तरह का बना होता है। ठीक है, ये इस तरह का हमारा एक तरह से मल्टी स्टैक रोटर कहलाता है। यानी टीथ जो होगा रोटर का, अगर दांत 2 से ज्यादा होता है, जैसे यहाँ पे ये क्या हो गया, 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, तो 2 से ज्यादा टीथ होगा किसी भी रोटर का तो उसको बोलते हैं हम लोग मल्टी स्टैक रोटर। ठीक है, और अभी जो मैंने बताया कि ये हमारा सिंपली एक तरह से मटेरियल यानी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है, परमानेंट मैग्नेट नहीं होता है ये। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली प्लेस करते हैं। तो ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा एक तरह से मल्टी स्टैक रोटर है। ठीक है, अब इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी एक्साइटेशन देंगे, यानी एक तरह से पल्स देंगे, और एक पोल पेयर को एक बार मैग्नेटाइज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नेम दे देता हूँ, ये मान लेते ए है तो ये ए डैश हो जाएगा, ये बी है तो इसके सामने वाला बी डैश, और ये अगर सी है तो इसके सामने वाला सी डैश। ठीक है, तो अभी हम लोग पोल पेयर ए को मैग्नेटाइज कर रहे हैं, यानी इसके अंदर हम लोग करंट दे रहे हैं आई एम्पियर का। अब जैसे ही आई एम्पियर का करंट देंगे तो ये अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, यहाँ पे मान लेते हैं नॉर्थ हो गया और इसके सामने वाले पे हो गया साउथ। तो यहाँ पे आप देखिए ये अपने आप को क्या करेगा, ये देखिए ये जो एंगल है यानी ये जो कॉर्नर है इस रोटर का, ये इस मैग्नेट के बहुत ही करीब है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपने आप को इसमें अट्रैक्ट कर लेगा, यानी घींच लेगा, ये जो मैग्नेट है इसको आपस में घींच लेगा। तो जैसे ही खींचेगा ये इस तरह से रोटेट करके इसके सामने आ जाएगा। ठीक है, ठीक उसी तरह यहाँ पे भी देखिए ये अपना साउथ फील्ड बनाया हुआ है, यहाँ पे साउथ फील्ड बना हुआ है, तो ये भी हमारा क्या करेगा, इधर से खींच लेगा, इसको आकर के यहाँ पे खींच लेगा, तो ये हमारा एक तरह से रोटेट करेगा। और यहाँ से लेकर के यानी अभी हमारा यहाँ पे है, तो यहाँ से जैसे ही जाएगा इसके सामने आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ से जो जैसे ही जाएगा तो ये जो रोटेशन होगा यहाँ पे ये 30 डिग्री एंगल का होगा। ठीक है, और इसको मैं बेटर तरीके से समझाता हूँ अभी दूसरे फिगर से, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो मल्टी स्टैक रोटर हम लोग सिंपली स्टेप एंगल को कम करने के लिए यूज करते हैं, और यहाँ पे जो है रोटेशन हमारा कुछ इस तरह से होता है। और इसको अगर और इजी वे में एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पे सिंपली ये मान लीजिए हमारा एक मैग्नेट का टुकड़ा है जिसका अपना एक फील्ड है नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे एक लोहे का टुकड़ा रखा हुआ है। ठीक है, एक नेल है यानी एक तरह से किल रखा हुआ है यहाँ पे। तो जैसे ही आप इस मैग्नेट के पास लेके जाइएगा, यानी इतना गैपिंग होने के बाद भी क्या करेगा, इसको घींच लेगा यानी अट्रैक्ट कर लेगा, तो ये जो यहाँ पे नेल है यहाँ पे आके चिपक जाएगा। सेम यही प्रिंसिपल इस मोटर के अंदर होता है। ठीक है,
अब जैसे यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मैं फिर से डायग्राम बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। तो इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पे हमारा सेम प्रिंसिपल है जो अभी मैंने फिगर में बताया। देखिए, अभी हम लोग इस बी पोल पेयर को मैग्नेटाइज कर रहे हैं, यानी इस बी पोल पेयर को जैसे मैग्नेटाइज करेंगे, फिगर बी में देखिए, जैसे ही हमारा बी पोल पेयर मैग्नेटाइज हुआ, ये जो सर्कल यहाँ पे दिखा रहा है ना, इसका मतलब वो मैग्नेटाइज, इसको हम लोग अभी मैग्नेटाइज कर रहे हैं। इसका मतलब देखिए, तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग मैग्नेटाइज किए, ये फोर वाला जो चौथा पोल पेयर था, यानी चौथा दांत जो था रोटर का, ये एकदम सामने सामने आ गया बी पोल पेयर के सामने। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से जो रोटेशन मिला हम लोग को, ए से लेकर ये जो रोटेट किया, ये हमारा 30 डिग्री रोटेट कर गया। ठीक है, अब उसी तरह हम लोग इस सिचुएशन में अब सी कॉइल को मैग्नेटाइज करेंगे। ठीक है, अब जैसे ही हम लोग सी कॉइल को मैग्नेटाइज करेंगे, तो फिर से यहाँ पे नॉर्थ बनेगा और यहाँ पे मान लेते हैं साउथ बनेगा। तो ये यहाँ पे बहुत ही पास है इस मैग्नेटिक फील्ड के पास, तो ये सिंपली हमारा अट्रैक्ट हो जाएगा। तो देखिए, तो यहाँ पे पहला दांत जो था रोटर का, ये सी के सामने आ गया। ठीक है, अब उसी तरह अब हम लोग इस चौथे पोल पेयर को मैग्नेटाइज करेंगे। अब जैसे ही मैग्नेटाइज करेंगे, तो ये अपना नॉर्थ पोल और ये अपना साउथ पोल बनाएगा। तो फिर से जो दूसरा दांत है रोटर का, ये एकदम सामने सामने आ गया यहाँ पे देखिए। तो और एक तरह से ये हमारा क्या हो गया, फिर से पहले 30 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर से हमारा 30 डिग्री का रोटेशन करेगा ये। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, टोटल यहाँ पे दिखाया गया है कि 3 बार जब हम लोग इस तरह से करेंगे, तो हमारा टोटल रोटेशन होगा 90 डिग्री का। ठीक है, तो इस बेसिस पे हमारा ये काम करता है। और जिस तरह से मैंने बताया था कि हमारा कौन सा पोल किस टाइम मैग्नेटाइज होगा, यानी किस टाइम हम लोग करंट देंगे इसके अंदर, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक तो सर्किट डिजाइन करते हैं। तो यहाँ पे ये सर्किट हमारे यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए, ये यहाँ से हम लोग सप्लाई दे रहे हैं वी वोल्ट, और ये तीनों का तीनों जो है हमारा पैरेलल है। यहाँ पे स्विच लगा हुआ है S1, S2, S3। तो सी जब हमारा, यानी कॉइल, यानी पोल पेयर सी जब मैग्नेटाइज होगा, यानी स्विच ऑन होगा, तो उस सिचुएशन में ये दोनों ऑफ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ट्रुथ टेबल समझिए, ये हमारा ए है, बी है, सी है। ए बी सी जो हुआ हमारा, ये पोल पेयर है। ठीक है, अब देखिए, प्लस का मतलब हुआ कि पोल पेयर ए में हम लोग करंट दे रहे हैं, यानी एक्साइट कर रहे हैं उसको। तो उस सिचुएशन में हमारा बी और सी जो होगा डीमैग्नेटाइज होगा। तो इस सिचुएशन में हमारा एंगुलर रोटेशन जो हुआ 0 डिग्री का हुआ। फिर हम लोग बी को मैग्नेटाइज दे रहे हैं, तो उस सिचुएशन में ए और सी जो है 0, तो यहाँ पे 30 डिग्री, फिर उसी तरह 60, फिर उसी तरह हमारा 90 डिग्री का रोटेशन मिल रहा है। तो ये कुछ प्रिंसिपल था। और अब हम लोग यहाँ पे टाइप्स की बात करते हैं, स्टेपर मोटर का जो टाइप्स होता है। तो सिंपली हमारा स्टेपर मोटर जो होता है, 3 तरह का होता है। सबसे पहला है वीआर मोटर, यानी वेरिएबल रिलेक्टेंस स्टेपर मोटर। और ये जो एग्जांपल दिया मैंने, ये हमारा कुछ नहीं, ये वेरिएबल रिलेक्टेंस स्टेपर मोटर का ही है। अब इसको वेरिएबल रिलेक्टेंस स्टेपर मोटर क्यों कहते हैं, इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, वेरिएबल रिलेक्टेंस का मतलब होता है, सबसे पहले रिलेक्टेंस समझते हैं, रिलेक्टेंस होता है क्या है। देखिए, जिस तरह से इलेक्ट्रिक सर्किट में हमारा रेजिस्टेंस होता है, और रेजिस्टेंस का काम होता है करंट को अपोज करना। ठीक है, यानी करंट को आगे बढ़ने से रोकता है। तो उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड में जिस तरह से हमारा फ्लक्स होता है, तो यहाँ पे जो रिलेक्टेंस है हमारा, ये रिलेक्टेंस जो है इस फ्लक्स को अपोज करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग वेरिएबल रिलेक्टेंस क्यों बोलते हैं। अभी हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा ए कॉइल है, और ये ए डैश इसके सामने वाला, इसमें हम लोग करंट दे रहे हैं। ठीक है, आई एम्पेयर का करंट दे रहे हैं, तो ये अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। इसको मान लेते हैं ये नॉर्थ बना, और ये बन गया हमारा साउथ। तो यहाँ पे देखिए, इसके पास, इन दोनों के पास बहुत ही कम डिस्टेंस है। कम डिस्टेंस, डिस्टेंस कहने का मतलब क्या है, इसके बीच में हमारा क्या एयर है। ठीक है, यानी एयर गैप है ना, और एयर जो है हमारा एक तरह से क्या है, रिलक्टेंस है। रिलक्टेंस क्या मतलब, फ्लक्स को अपोज करेगा। हवा क्या, एक तरह से हमारा रिलक्टेंस है ना यहाँ पे अवेलेबल। तो इस पॉइंट पे हमारा रिलक्टेंस जो होता है बहुत ही कम होता है, यानी इस डिस्टेंस के बीच में जब आप एज्यूम कीजिएगा, देखिए यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है, इसके बीच में एयर बहुत कम है एज कंपेयर टू यहाँ पे जो एयर होगा। तो यहाँ पे हमारा रिलेक्टेंस कम है, इसका मतलब ये तुरंत इसके पास आकर के अट्रैक्ट हो जाएगा, यानी ये वाला पोर्शन जो है ये मूव करके इसके सामने आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर से जब हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे इस मोटर के अंदर होता क्या, एक्चुअली
एयर गैप जो है इस पॉइंट पे, यानी जहां पे हमारा रोटर का जो दांत है ये पोल के सामने सामने जहां नहीं होता है वहां पे हम लोग का एयर गैप कम होता है, लेकिन जहां पे पोल के सामने सामने हमारा दांत रहेगा वहां पे एयर गैप हमारा ज्यादा होता है। ठीक है, एयर गैप ज्यादा यानी रिलेक्टेंस, सॉरी यहाँ पे ज्यादा होगा यानी रिलेक्टेंस ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बार हमारा रिलेक्टेंस कम है, एक बार हमारा रिलेक्टेंस ज्यादा है। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं वेरिएबल रिलेक्टेंस मोटर, स्टेपर मोटर। ठीक है, क्योंकि हर एक पॉइंट पे यहाँ पे हमारा रिलेक्टेंस वेरी करता है, और रिलेक्टेंस कुछ नहीं है, हमारा एक तरह से फ्लक्स को अपोज करता है। ठीक है, और रिलेक्टेंस यहाँ पे कैसे आया, क्योंकि इसके बीच में क्या है, एयर गैप है यानी हवा है सही, और हवा एक तरह से हमारा यहाँ पे रिलेक्टेंस का काम करेगा। ये सब क्या है, हमारा एयर गैप है, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको वेरिएबल रिलेक्टेंस मोटर। और भी इसका टाइप्स है, इसको देखते हैं। देखिए, दूसरा जो टाइप्स है ये है हमारा परमानेंट मैग्नेट टाइप्स, और यहाँ पे टाइप्स ऑफ स्टेपर मोटर मैंने लिख दिया साइड में, वेरिएबल रिलेक्टेंस टाइप, परमानेंट मैग्नेट टाइप्स और हाइब्रिड मोटर। देखिए, यहाँ पे हम लोग समझते हैं परमानेंट मैग्नेट टाइप। परमानेंट मैग्नेट टाइप यानी इसमें हम लोग जो यूज करेंगे रोटर, ये हमारा एक तरह से परमानेंट मैग्नेट का होगा। ठीक है, यानी ये मान लेते हैं पहला पोल, दूसरा पोल, तीसरा पोल और ये चौथा पोल। ठीक है, और इसके बीच में जो हमारा रोटर होगा ये एक तरह से परमानेंट मैग्नेट का होगा, और ये कुछ नहीं है, जिस तरह से मैंने स्टार्टिंग में प्रिंसिपल बताया था जिसमें हम लोग को 90 डिग्री का रोटेशन मिला था स्टेप एंगल का, तो ये हमारा वही है। इसका अपना नॉर्थ होगा, अपना साउथ होगा, इसको हम लोग एक्साइटेशन देंगे पोल को, उस बेसिस पे ये हमारा रोटेट करेगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा हाइब्रिड मोटर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। देखिए, हाइब्रिड मोटर जो है हमारा कुछ नहीं है, इन दोनों को यानी ए और बी, वेरिएबल रिलेक्टेंस टाइप और परमानेंट टाइप को जब मिला देंगे तो हमारा बनता है हाइब्रिड मोटर। और हाइब्रिड मोटर जो है बेसिकली हम लोग डिजाइन करते हैं ताकि हमारा स्टेप एंगल जो है छोटा से छोटा अचीव कर सके, जैसे कि 1.8 डिग्री का, ये बहुत ही छोटा है स्टेप एंगल है, और सबसे कम जो हम लोग अचीव कर सकते हैं ये है 0.36 डिग्री का। ठीक है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है। हाइब्रिड मोटर बेसिकली हम लोग स्टेप एंगल को कम से कम बनाने के लिए या फिर कम से कम अचीव करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, हाइब्रिड मोटर में देखिए होता क्या है, हाइब्रिड मोटर में स्टेप एंगल हम लोग कम चाहिए तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, रोटर का जो दांत होगा इसको बढ़ा देंगे, जैसे कि 48 होता है रोटर का टीथ, अगर 48 है तो ये अगर रोटर का टीथ है तो स्टेटर का टीथ कितना हो जाएगा यहाँ पे 50। ठीक है, इस बेसिस पे जब हम लोग इसको डिजाइन करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का स्टेप एंगल जो होगा 1.8 डिग्री का मिलेगा हम लोग को। ठीक है, प्रिंसिपल बाकी सेम था, और यहाँ पे कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताता हूँ। अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे स्टेपर मोटर का कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स। देखिए, स्टेपर मोटर का अगर स्टेप एंगल निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली स्टेपर मोटर को बीटा से डिनोट करते हैं, और इसका एक रिलेशन होता है एन एस माइनस एन आर डिवाइडेड बाय एन एस इंटू एन आर इंटू 360 डिग्री। ठीक है, जहां पे एन एस है हमारा स्टेटर का टीथ, ठीक है, नंबर ऑफ स्टेटर टीथ, और एन आर जो है ये है नंबर ऑफ रोटर टीथ। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे एन एस जो है ये 50 है, एन आर जो है ये 48 है। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 50 इंटू 48 इंटू 360 करेंगे तो यहाँ पे जो स्टेप एंगल मिलेगा हम लोग को ये मिलेगा 1.8 डिग्री का। ठीक है, और यहाँ पे ये स्टेप एंगल बहुत ही छोटा है तो ये एक तरह से हमारा क्या होगा, हाइब्रिड मोटर होगा। और हाइब्रिड मोटर में सिंपली जिस तरह से मैंने बताया था कि नंबर ऑफ टीथ जितना ज्यादा होगा रोटर और स्टेटर का, एक तरह से हम लोग ये समझिए कि स्टेप एंगल को हम लोग छोटा करने के लिए हम लोग इस तरह से डिजाइन करते हैं। उसके बाद स्टेप एंगल को निकालने का एक और रिलेशन है हमारे पास, ये है बीटा इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय एम इंटू एन आर, और एम जो है वेयर एम जो है ये फेज को रिप्रेजेंट करता है, जैसे हमारा स्टेपर मोटर सिंगल फेज है, थ्री फेज है, तो ये इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, यानी स्टेटर में जो हमारा फेज होगा उसको डिपेंड करता है। तो यहाँ पे भी एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे जो हमारा फेज है ये थ्री फेज है। ठीक है, तो इस बेसिस पे कैसे होगा, निकलेगा ये 360 इंटू थ्री, और एन आर यानी
रोटर का जो टीथ है इसको मान लेते 24 है, और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 24 डिग्री का स्टेप एंगल। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आएगा स्टेपर मोटर से, और भी डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे एक हमारा स्टेपर मोटर है तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि इस स्टेपर मोटर का स्पीड क्या है, यानी ये किस स्पीड से रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो इसका भी हमारा एक फॉर्मूला है, और शाफ्ट स्पीड इक्वल टू होता है बीटा, बीटा जो कि हमारा क्या है स्टेप एंगल है, इनटू फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है ये हमारा कितने सेकंड में या फिर कितने टाइम के बाद जो है हमारा फील्ड जो है मैग्नेटाइज हो रहा है वो होता है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 360। ठीक है, अब यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं स्टेप एंगल जो है हमारा ये 15 डिग्री का है, और फ्रीक्वेंसी जो है ये हमारा 120 है, डिवाइडेड बाय 360 करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा हम लोग को 5 RPS यानी रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। ठीक है, उसको RPM में चेंज करना तो RPM में चेंज कर सकते हैं, इस बेसिस पे हमारा ये आ जाएगा। और यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे RPM कभी नहीं होगा क्योंकि ये हमारा क्या स्टेप एंगल है ना, स्टेप बाय स्टेप रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स था यहाँ पे स्टेपर मोटर से रिलेटेड, और यहाँ पे मैं कुछ आपको मटेरियल दे रहा हूँ। तो ये हमारा स्टेपर मोटर था, और इस वीडियो के नीचे यानी डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं एक PDF प्रोवाइड कर रहा हूँ, ताकि अगर जो भी उसमें छूट रहा होगा तो उस PDF से आप सिंपली समझ सकते हैं, और जो इसका मेन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल था और जो टाइप्स था वो मैंने आपको समझा दिया है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।